वेलकम टू जेके एकेडमी क्लास 7 एक्सरसाइज फॉर 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 1 kg ऑफ सुगर कॉस्ट 18.49 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 27 kg सुगर ओके 1 kg सुगर की कॉस्ट आपको दे रखी है फाइंड क्या करना है 27 kg कॉस्ट ऑफ सुगर ठीक है ये आपको फाइंड करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आपको पता है जब सिंगल यूनिट में प्राइस दे क्या दे सिंगल यूनिट की प्राइस दे और ग्रुप की पूछता है फाइंड करवाने के लिए बोलता है तो उसके लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और जब ग्रुप की प्राइस दे रखी हो ग्रुप की प्राइस दे रखी हो वन की क्या करनी हो फाइंड करनी हो तो क्या होता है डिवाइडेशन होता है इतना सबको मालूम है जैसे ए मार्कर कॉस्ट आर 45 रुपीज देन 10 मार्कर्स कॉस्ट हाउ मेनी कॉस्ट ऑफ 10 मार्कर्स ठीक है यही इस क्वेश्चन में डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा देन 10 मार्कर्स कॉस्ट ऑफ 450 देन पर 1 मार्कर कॉस्ट इज फाइंड जो आपको फाइंड करनी है एक मार्कर की कॉस्ट तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइडेशन करना पड़ेगा ठीक है क्या करना पड़ेगा डिवाइडेशन करना पड़ेगा ठीक है तो क्वेश्चन सॉल्व करें इसमें क्या दे रखा है 1 पीस की क्या दे रखी है कॉस्ट दे रखी है 1 पीस या 1 kg ठीक है और कुछ क्या है ग्रुप की 27 kg की ठीक है देन स्टार्ट करते हैं सॉल्व नाउ 1 kg शुगर कॉस्ट is 1849 rupees ठीक है फाइंड क्या करनी है 27 kg cost ठीक है देन क्या होगा वन के जी कॉस्ट मल्टीप्लाई 27 kg ठीक है 1 kg कॉस्ट कितनी हो गई 18.49 मल्टीप्लाई 27 ठीक है इसको क्या बोल सकते हैं 18.49 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 27 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 49 मल्टीप्लाई 27 से क्या करना है डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना सॉरी 6 4 3 5 7 और 5 बोलो 7 और 5 कितने हो गए 12 1 9 3 ठीक है ये हो गया 3 ये हमारे पास आएगा क्या इसको हम बोल सकते 4 9 9 2 3 अपॉन 100 ठीक है और ये हमारी कॉस्ट आएगी 499.23 रुपीज ये होगा क्या आंसर 1 kg कॉस्ट दे रखी है ठीक है 1 kg की क्या कॉस्ट दे रखी है फाइंड क्या करनी है 27 kg कॉस्ट 27 kg शुगर कॉस्ट हमें क्या करनी है फाइंड करनी है
तो इस प्रकार हम फाइंड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके इनको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो 499.23 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए टेबल फैन इज 1078.56। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ ए टेबल फैन इज कितनी है, 1078.56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 सच टेबल फैंस। ठीक है, कॉस्ट वन टेबल फैन की कॉस्ट दे रखी है और 19 टेबल फैन की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्व करें, वन की देखे ग्रुप की पूछा है, इसका इट मींस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टेबल फैन इज 1078.56 रुपीज। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 19 टेबल फैंस कॉस्ट। ठीक है, तो क्या करना है, देन क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, वन कॉस्ट ऑफ ए टेबल फैन मल्टीप्लाई 19। ठीक है, वन कॉस्ट कितनी है, 1078.56 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, 1078.56 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, 1078.56 मल्टीप्लाई 19 100, या इसको हम बोल सकते हैं 2059.64 रुपीज। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना
The cost of a one table is ये दे रखा है, ठीक है? Then find 19 table fan cost, 19 table fans की जो cost है वो find करनी है. Then one cost of a table fan multiply 19, ठीक है? एक table fan की cost को किससे multiply कर देंगे? 19 से multiply कर देंगे. ये table fan की cost दे रखी है, ये 19 multiply किया मेरे को ये फाइंड हुआ अपॉन 100, 100 को इसको सॉल्व किया तो मेरे को 20,592.64 रुपीज हमारे को क्या हो गया, फाइंड हो गया. इस प्रकार इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है.